Hello my dear students, this is Ajay Sharma welcomes you in online maths की classes। अपना जो आज का स्टार्ट जो है ये टॉपिक दैट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। लेट मी रिकॉल यू कि अपना जो मैथ का पेपर होता है आरबीएसई बोर्ड में इट कैरी 80 मार्क्स जिसमें कि 30 क्वेश्चन होते हैं। इसमें से ये जो चैप्टर है आरबीएसई बोर्ड की बुक में ये चैप्टर नंबर 6 ठीक है दैट इज़ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड चैप्टर नंबर 7 मैथड ऑफ डिफरेंशिएशन आई मीन टू से इट इज़ डिफरेंशिएशन। ये चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 दोनों की मिला के वेटेज 8 मार्क्स की है, जिसमें से इस साल का जो पेपर है वो 6 नंबर का ये तुम्हारे इसमें से बना है, ये कंटिन्यूटी एंड ये डिफरेंशिएबिलिटी में से। तो देखिए चैप्टर बहुत ही इजी है बट ये कंसेप्चुअल है। सो हमें क्या करना है, फर्स्टली हम इसको वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस continuity and differentiability। After understanding then we will apply some methods and some definitions in solving some questions। तो देखिए पहला है what is the meaning of continuity। तो ये समझने के लिए आप लोगों ने 11th में फंक्शन को अच्छे से स्टडी किया हुआ है। इसी फंक्शन के 2 टाइप और आते हैं, कौन कौन से हैं? पहला है नंबर वन है दैट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अब क्वेश्चन अराइज हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो देखिए एनी फंक्शन या फिर अ फंक्शन ठीक है which doesn't have any breaking point in its domain, such functions are called continuous function। ठीक है देखिए मतलब इसका मतलब ये है कि सब जैसे सपोज कीजिए कि आपने एक फंक्शन स्टडी किया होगा पैराबोला ठीक है या फिर कोई भी है, जैसे कि अगर मैं बात करूं ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है एंड दिस इज ऑरिजिन ठीक है। ये क्या है आपका एक ये कर्व है ये जो कि पैराबोलिक की शेप में है ठीक है। हम समझते हैं कि ये तुम्हारा यहाँ से a पॉइंट से b पॉइंट तक के लिए डिफाइंड है, यानी कि a b इस फंक्शन के डोमेन हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि इन होल डोमेन देयर इज नो पॉइंट ठीक है, देयर इज नो पॉइंट इन डोमेन जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ग्राफ में कहीं पे टूट फूट है, कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है इन इट्स डोमेन ऑफ द फंक्शन। दिस इज वाई सच फंक्शन या फिर दिस फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस मीन्स इट मस्ट नॉट हैव एनी ब्रेकिंग पॉइंट या फिर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी जस्ट कंटिन्यूअस का उल्टा, यानी कि the point at which function is broken that point is called point of discontinuity। और उस कर्व को हम या फिर उस फंक्शन को हम कह देते हैं discontinuous function। discontinuous क्यों है? क्योंकि वहाँ पे फंक्शन टूट गया है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको एक कंटिन्यूस का यानी एग्जाम्पल दिया ठीक है। एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं कि ये x है ये y है ये ऑरिजिन, सपोज करो यहाँ से एक ये मतलब ये ग्राफ है एक फंक्शन का, सेकंड एक ग्राफ ये है ठीक है। ये दोनों जो हैं किसी एक फंक्शन का ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं ठीक है। अब ये चूंकि ऑरिजिन है और यहाँ पे आपका ये पॉइंट हमने कह दिया, ये सपोज करो ये बी है, तो हम कह देंगे 0 से B इस पॉइंट के क्या हो जाते हैं, डोमेन हो जाते हैं। अब इस पूरे डोमेन में हम कह देंगे ये एक पॉइंट ऐसा होगा, ये A, जिस पे कि तुम्हारा ग्राफ टूटा हुआ है, ठीक है, ग्राफ टूटा हुआ है, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो हम कह देंगे चूंकि ये जो कर्व है, जो ग्राफ है, दिस इज बीइंग ब्रोकन एट पॉइंट x = A, दिस इज वाई दिस जो है ये फंक्शन इज कॉल्ड डिसकंटीन्यूअस फंक्शन एट पॉइंट x = A। दिस इज नॉट ओनली सिंगल यानी एग्जांपल ऑफ डिसकंटीन्यूअस फंक्शन, देयर आर सो मेनी एग्जांपल लाइक दैट। आप लोगों ने 11th में स्टडी किया होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, इसको हम स्टेयर यानी फंक्शन भी कहते हैं, और आप अच्छे से जानते हैं दैट इज ऑब्वियसली डिसकंटीन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो दो टाइप के यहाँ पे आपके यानी फंक्शन बनते हैं, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस का मतलब है कि उस पूरे ग्राफ में कहीं पे भी कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, कहीं पे भी ग्राफ में टूट फूट नहीं है, ठीक है, इसलिए दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन। अदरवाइज अगर इसमें कहीं पे कोई ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है, ग्राफ के किसी भी डोमेन पे अगर ग्राफ में कहीं पे यानी ब्रेकिंग शो हो जाती है, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और उस फंक्शन को हम उसी के अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस हम नाम हम दे देते हैं। आगे देखिए, अब ये आ जाता है कि हाउ टू चेक, ठीक है, हाउ टू चेक कि कोई भी तुम्हारा जो फंक्शन है किसी गिवन पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले, इससे पहले मैं आपको बताऊं डिसकंटिन्यूअस की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, जस्ट इसका नेगेटिव बनेगी, क्या, अ फंक्शन विच हैव एनी ब्रेकिंग पॉइंट एट इट्स डोमेन, सच फंक्शन आर कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, आप लोग अपने आप में ये समझ सकते हैं। अब देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ और उनको हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर हम समझेंगे कि उन्हें प्रूफ कैसे किया जाएगा कि वो कंटिन्यूअस हैं या फिर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो देखिए माय डियर्स, जैसे क्या है कि हमें एक क्वेश्चन दे दिया कि f(x) हमें दे दिया x² - x+1 एंड एट x 3 पे हमें चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कंटिन्यूटी के लिए, कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए जो है क्या कंडीशन है। तो देखिए ध्यान देने वाली बात है, अ फंक्शन, ठीक है, इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x = A इफ कोई भी आपका फंक्शन है, इट इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x = A वेयर A इज एनी पॉइंट लाइंग इन डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन, ठीक है। तो वो फंक्शन x = A पे कंटिन्यूअस होगा इफ नंबर 1 पॉइंट क्या कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x = A, ठीक है, इक्वल टू होनी चाहिए वैल्यू ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन एट x = A, यानी कि फंक्शन की वैल्यू एट x = A मस्ट बी इक्वल टू लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x = A। अगर ये दोनों चीजें सेम हो जाती, इन दैट कंडीशन वी विल से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = A, ठीक है। तो इसको हम यूं भी कह सकते हैं f(A) मस्ट बी इक्वल टू लिमिट x → A और ये f(x)। ये कंडीशन सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम ऐसे फंक्शंस को हम कंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे, ठीक है। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो फंक्शन बन जाएगा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो हम चेक करते हैं, हम इस कंडीशन को इस फंक्शन में अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि दोनों वैल्यू सेम आती कि नहीं आती हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें फंक्शन गिवन है f(x) = x² - x+1, हमें 3 पर निकालना है, तो f(3) इट मींस वी आर सब्स्टिट्यूटिंग x 3 इन दिस फंक्शन, ओके, तो क्या बन जाएगा, x की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 कितना बन जाएगा 9 माइनस 3 प्लस 1 कितना आ गया ये 7 आ गया। यानी कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू 3 इज 7। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड वैल्यू ऑफ द लिमिट। तो क्या बन जाएगी, हमें निकालनी है, हम कह देंगे कि लिमिट x टेंड्स टू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है ये 3 है, तो यहाँ बन जाएगा x टेंड्स टू 3 और यहाँ पे क्या है ये फंक्शन है और फंक्शन क्या है हमारे पास x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 है, तो यहाँ लिख देंगे x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने 11th में खूब सॉल्व किए हैं एंड यू आर वेल नोन टू हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। ओके, ऑब्वियसली दिस फंक्शन आपका जो है कि ये सिंपल फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे सीधे हम इसमें हम x की वैल्यू 3 हम करेंगे सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो क्या बन जाएगी 3 स्क्वायर माइनस के 3 प्लस 1 इक्वल टू 7। फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू दोनों बिल्कुल सेम है, 7 है, ये भी वैल्यू ऑफ द फंक्शन सेम है और लिमिट की वैल्यू भी 7 आई। आप देख सकते हैं दिस इज वाई, चूंकि दोनों वैल्यू सेम है दिस इज वाई हम कहेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट विच पॉइंट, एट पॉइंट x इक्वल टू 3 और 3 कहाँ है इसके डोमेन में से है और आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू फाइंड आउट डोमेन एंड रेंज ऑफ एनी फंक्शन। तो आपका ये जो फंक्शन है कौन सा फंक्शन है ये, इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, कौन सा फंक्शन है ये, क्वाड्रेटिक है जिसकी डिग्री 2 है, चूंकि पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल की जो डोमेन होते हैं वो R पे होते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल के जो डोमेन होते हैं वो R यानी रियल नंबर पे होते हैं और आप जानते हैं कि 3 रियल नंबर में है। ठीक है, जब ये 3 पे तुम्हारा फंक्शन ये कंटिन्यूअस है तो ऑब्वियसली R के किसी भी पॉइंट पर तुम्हारा ये जो फंक्शन है ऑब्वियसली कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। मैं कहना ये चाहूंगा कि ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन, चाहे आपका वो मोनोमियल है, चाहे बाइनोमियल है, चाहे वो ट्राइनोमियल है, चाहे अपनी किसी भी डिग्री का तुम्हारा वो पॉलिनोमियल है, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन और सभी पॉलिनोमियल के जो डोमेन बनते हैं वो तुम्हारे R पे बनते हैं। ठीक है, तो देखिए जो ध्यान देना पॉलिनोमियल का जो मतलब फॉर्म होती है वो क्या होती है Pn(x), ये बनते हैं तुम्हारी an(x) की पावर n प्लस an-1(x) की पावर n-1 प्लस an-2(x) की पावर n-2 प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ पे आ जाएगा a0। इस फॉर्म को हम कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन और इस फॉर्म में कोई भी तुम्हारा पॉलिनोमियल होगा दैट विल बी ऑब्वियसली कंटिन्यूअस मतलब फंक्शन इन इट्स डोमेन और इसके डोमेन क्या होंगे, हम कह देंगे इसके डोमेन बनते हैं तुम्हारे R पे बनते हैं यानी रियल नंबर। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम कुछ और यानी एग्जाम्पल लेते हैं और हमें चेक करेंगे कि कंडीशन क्या बनेगी कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो देखिए माय डियर, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि 11th में आप लोगों ने लिमिट एंड डेरिवेटिव जो है वो चैप्टर को स्टडी किया था, तो वहाँ पे लिमिट आपने 2 टाइप की यानी स्टडी की थी, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट, अगर ये दोनों वैल्यूज़ अगर इक्वल हो जाती है तो हम कहते हैं कि वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं होती है तो हम कहते थे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो देखिए इसी के बेस पे हमारा एक यानी क्वेश्चन है, क्या है कि एक हमने फंक्शन ले लिया f(x) और हमें ये फंक्शन गिवन है कि x स्क्वायर माइनस के 3x, ये कब है जब x लेस देन इक्वल टू 2 है और ये है तुम्हारा तब जब x प्लस 6, ये तब है जब x ग्रेटर देन 2 है। हमें ये फंक्शन है एंड हमें अब ये चेक करना है कि ये फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो देखिए ऐसे फंक्शन के लिए जो थ्योरम बनती है वो क्या बनती है कि a function y equals to f(x) is said to be continuous if what number 1 point। हम कहते हैं कि इसमें ये ले लो continuous at x equals to a if, क्या if f a equals to f a minus 0 है। अब आपको ये पता होना चाहिए इनका मीनिंग क्या है, ठीक है। इसका मीनिंग हो जाती है वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू a, इसका मीनिंग अभी बताया था। और इसका मीनिंग क्या है, वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू a, इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसका दूसरा सिंबल एक ये भी पढ़ा था आपने कि लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स। ध्यान देना ये दोनों सिंबल लेफ्ट हैंड लिमिट के हैं, इन्हें हम कहते हैं दोनों को ही लेफ्ट हैंड लिमिट, इनका ये नोटेशन है। अब यदि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू a बिकम्स इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू a, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन सेम इसी तरह से अगर एफ ए इक्वल टू एफ ए प्लस जीरो है, मीन्स व्हाट कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए इक्वल टू वैल्यू ऑफ राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। इसका भी नोटेशन एक और आपको बताया था 11th में ही, ठीक है। अपनी आरबीएसई बोर्ड की जो बुक में लेफ्ट हैंड का जो नोटेशन है वो ये है, और राइट हैंड जो लिमिट उसका नोटेशन ये है, लेकिन अदर बुक में राइट हैंड लिमिट को हम लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, ए प्लस, ठीक है, a प्लस यानी कि a का राइट हैंड, ठीक है, और a माइनस यानी a का लेफ्ट हैंड। इनसे मालूम पड़ जाती है कि ये लेफ्ट है और ये राइट है, प्लस का मतलब राइट और माइनस का मतलब लेफ्ट, ठीक है। तो यदि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू a इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द राइट हैंड लिमिट एट यानी x इक्वल टू a, ये अपनी दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन है कि इफ एफ ए माइनस जीरो इक्वल टू एफ ए प्लस जीरो, ठीक है, यानी कि ये क्या है आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आ जाती हैं, इक्वल होती हैं। अब इन तीनों का मैं बना देता हूं एक कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या कहता है कि यदि इफ एफ ए माइनस जीरो इक्वल टू एफ ए इक्वल टू एफ ए प्लस जीरो, अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाती है, ठीक है, वही है, हम फंक्शन की वैल्यू लिमिट के इक्वल होनी चाहिए, पर लिमिट चूंकि दो टाइप में एग्जिस्ट करती है, लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में। तो यदि ए पॉइंट पे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और ए पॉइंट पे फंक्शन की राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल हैं, इन दैट कंडीशन फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। सो नाउ वी हैव टू चेक वेदर गिवन फंक्शन दिस इज आइदर कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2, ओके। तो देखिए कैसे, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन इसलिए आपको अच्छे से आनी चाहिए, हमें इसी का अप्लाई हम ये करेंगे। तो देखिए कैसे, यानी कैसे करनी है। ऑब्वियसली अब पहले हम इसको स्टडी करते हैं फंक्शन को। तो यहां पे लिखा है इफ x इज लेस इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू या तो 2 है या फिर 2 से लेस है। तो हम ये देखेंगे यदि 2 है तो 2 पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या बनेगी। आई मीन टू से व्हाट, नाउ लेट्स फाइंडिंग f2, मींस वी आर फाइंडिंग f2 बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 2 इन गिवन फंक्शन, ठीक है। तो f2 के लिए फंक्शन तो हमारा ये है, तो यहाँ पे हम पुट करें तो बन जाएगा 2 स्क्वायर माइनस के 3 मल्टीपल बाई 2 यानी 4 माइनस के 6 इक्वल टू माइनस 2 आ गई। दिस इज माइनस 2 इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 2, ओके। नाउ अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2, नोटेशन क्या बनेगा इसका, इसका नोटेशन बनेगा f2 माइनस जीरो, 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए अब हमें एक फंक्शन चाहिए, वो भी चूंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो इसके लिए लेफ्ट हैंड फंक्शन क्या बनेगा। तो देखिए ऑब्वियसली वो यही बनेगा Why? Because x is being less than 2. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये बन जाएगा f2 माइनस h. ओके, नाउ वी आर सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 2 माइनस h इन लेफ्ट हैंड फंक्शन. तो क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की वैल्यू 2 माइनस h है, ये x है, इसमें रखिए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये बन जाएगा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 3 मल्टीपल 2 माइनस एच. ठीक है, तो क्या बन जाएगा, अब इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, और आप जानते हो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनता है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अब आप इस आइडेंटिटी को इसमें अप्लाई कराओ तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये एच स्क्वायर माइनस के 4h प्लस 4 माइनस के 6 प्लस के 3h. ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये इक्वल्स टू फर्दर इसको हम लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 एच स्क्वायर माइनस 4h और प्लस के 3h क्या बन जाएगा, माइनस h और प्लस 4 और माइनस 6 माइनस 2. क्योंकि लिमिट हमारी h इक्वल्स टू 0 चल रही है, हम इसमें अगर हमें सब्स्टिट्यूट करें तो वैल्यू आ जाएगी सीधे, क्या h की वैल्यू 0 है तो 0 माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 2 आ गई. आप देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन माइनस 2 थी और लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 2 कितनी आई, माइनस 2 आई. नाउ वी आर फाइंडिंग राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 2. अब अगर ये राइट हैंड लिमिट अगर माइनस 2 आ जाती है तो ऑब्वियसली हम ये कह देंगे तीनों वैल्यू हमारी सेम आ जाएंगी. अगर राइट हैंड लिमिट माइनस 2 आ गई तब इन दैट कंडीशन हमारा फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा, लेकिन अगर राइट हैंड लिमिट माइनस 2 नहीं आई, कुछ और आ गई, तो ऑब्वियसली मैंने अभी जो कंडीशन बताई थी वो सेटिस्फाई नहीं होगी, इसलिए फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस हो जाएगा. ठीक है, तो देखिए अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 2. तो ऑब्वियसली इसके लिए हमें राइट हैंड क्या चाहिए, फंक्शन चाहिए, वो ये चलिए रखते हैं. इसका नोटेशन क्या बनेगा, f2 प्लस 0 यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और f2 प्लस h. नाउ वी आर सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 2 प्लस h इन दिस फंक्शन. ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की वैल्यू 2 प्लस h है, हम इसमें रखें तो बन जाएगा 2 प्लस h प्लस 6. ठीक है, अब h की लिमिट हमारी क्या चल रही है, 0 चल रही है, इसमें हम रखें तो बन जाएगा तुम्हारा आंसर आ जाएगा 8. आनी चाहिए थी -2 ये वैल्यू, क्यों, फंक्शन कंटिन्यूस होने के लिए ये -2 ही आनी चाहिए थी, लेकिन -2 नहीं आई, क्या आई, 8 आई. इस 8 ने ये शो कर दिया कि ये जो 8 है ये लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है. दिस इज व्हाई दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, it is discontinuous function at point 2. I mean to say what, कि जो ये 2 है इसके डोमेन में एक ऐसा पॉइंट है जिस पे कि ग्राफ में टूट फूट है, मींस 2 इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. ठीक है, तो हम क्या कह देंगे f2 माइनस 0, ठीक है, इक्वल्स टू f2 है बट नॉट इक्वल्स टू f2 प्लस 0. दिस इज व्हाई फंक्शन is not continuous at x equals to 2. ठीक है, आगे देखिए, आगे हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं. कोई भी फंक्शन है कंटिन्यूस का या फिर डिसकंटिन्यूस का, हमें इन्हीं डेफिनेशन को अप्लाई करना है और चेक करना है कि वेदर जो फंक्शन है वो आपका कंटिन्यूस है या नहीं है. तो देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम कि एक f(x) है, और ये हमारा ले लिया हमने x की पावर m साइन 1/x. ये तब है फंक्शन जब x नॉट इक्वल टू 0 है, और ये 0 है व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन क्या है, दिस फंक्शन इज ऑलरेडी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, देन फाइंड एम। हमें एम को फाइंड करना है, ये फंक्शन है हमारे पास में, एंड दिस फंक्शन इज ऑलरेडी कंटिन्यूअस। अभी तक तो हमें चेक कर रहे थे कि वेदर फंक्शन इज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, बट नाउ ऑलरेडी हमें ये गिवन है कि फंक्शन अब कंटिन्यूअस है, बट नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एम। सो हाउ कैन वी सॉल्व इट? सो लुक, since function is already continuous, it is necessary that value of the function at x equals to 0 must be equals to right hand limit of the function at x equals to 0 equals to value of the left hand limit at x equals to 0. ये होनी चाहिए, जरूरी है ना। तो देखिए, यही जो मैंने आपको बताई, it is the condition of continuity. बट चूंकि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो देखो हम क्या लिखेंगे, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एफ जीरो इक्वल टू एफ जीरो माइनस जीरो भी है, इक्वल टू एफ जीरो प्लस जीरो भी है। ये तीनों वैल्यू सेम है तभी तो ये कंटिन्यूअस बनेगा। अगर तीनों वैल्यू सेम नहीं होंगी तो हम ये कह ही नहीं सकते कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है कि ये कंटिन्यूअस है, इट इज ऑलरेडी गिवन। दिस इज व्हाई ये तो बननी है कि वैल्यू ऑफ द एफ जीरो इक्वल्स टू एफ जीरो माइनस जीरो इक्वल्स टू एफ जीरो प्लस जीरो, ये तीनों वैल्यू सेम बनेंगी ही बनेंगी, कंफर्म्ड है। अब चूंकि हमें एम निकालना, इसलिए हम इनमें से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दो में से किसी हम एक को फाइंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है। अगर हमें चेक करना होता कि कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है, तब हमें दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड मतलब लिमिट को निकालना पड़ता, बट चूंकि हमें ऑलरेडी फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन है, दिस इज व्हाई वी विल फाइंड आइदर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो देखिए कैसे, अब अगर हम इस फंक्शन को स्टडी करें, व्हेन एक्स इक्वल्स टू जीरो then value of the function is 0, okay, तो value f0 equals to 0 given है। अब हम एक काम कर लेते हैं कि हम इनमें से right hand limit हम निकाल लेते हैं, मीन्स f0 प्लस जीरो हम निकालते हैं, 0 प्लस जीरो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, है ना, और फंक्शन में x की वैल्यू क्या बनेगी, 0 प्लस h, ठीक है, फंक्शन में x की वैल्यू क्या बनेगी, 0 प्लस h। नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 0 प्लस h इन दिस फंक्शन। सो देखिए कैसे हम क्या करेंगे, ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की वैल्यू कितनी है, h है भाई, 0 प्लस h बराबर h ही हो गया, इट मींस वी आर सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू h इन गिवन फंक्शन। तो देखो यहाँ पे x आ रहा है, ये बन जाएगा h की पावर m, और यहाँ पे साइन ये आ जाएगा 1/h। ना अब जब हम इसको सॉल्व करें तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू 0 ही आनी चाहिए, जरूरी है। जरूरी इसलिए क्योंकि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, मैं पहले कर चुका हूं, और फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाने के लिए ये तीनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो चूंकि इसकी वैल्यू 0 है, इसलिए राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए। अगर 0 नहीं आई तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ठीक है, इसलिए इसका आंसर 0 ही आना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, आप जानते हैं कि साइन एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसकी रेंज हमेशा -1 से 1 में होती है। इट मींस आई कैन से दैट कि -1 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1, ये आप जानते हैं अच्छे से, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू जो रेंज है, ठीक है, वो -1 से 1 में होती है, तो ऑब्वियसली ये भी अपने आप में जो वैल्यू रहेगी वो -1 से 1 रहेगी। तो आई कैन राइट हियर लिमिट h टेंड्स टू 0 h की पावर n, यहाँ पे मल्टीपल, यहाँ पे मैंने लिख दिया इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहेगी, कुछ भी हो सकती है, तो हमने इसके लिए ये लिख दिया, ओके। अप, लिमिट क्या चल रही है, x टेंड्स टू 0 चल रही है। सो ओके नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ लिमिट, क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 0 की पावर m डॉट -1 से 1। अब इसका आंसर हमारा 0 ही आना चाहिए। अब आपने ये सोचना अंडर व्हाट कंडीशन ऑफ m इसकी वैल्यू 0 आएगी, m की किस यानी कंडीशन के लिए आंसर इसका 0 बनेगा। तो देखिए अब हमें 0 चाहिए तो m की यहाँ पे 3 वैल्यू पॉसिबल है। पहली वैल्यू m की यहाँ पे हो सकता है ये 0 से बड़ी हो, पॉजिटिव हो सकती है, +1 +2 +3 +4 कुछ भी हो सकती है, या फिर m की वैल्यू 0 पॉसिबल है, या फिर m की वैल्यू 0 से छोटी पॉसिबल। इन 3 के अलावा m की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब हमें चेक करना इनमें से m की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई का मतलब क्या है कि m की वैल्यू इनमें से किस इंटरवल के लिए 0 आएगी, आंसर 0 आना चाहिए। तो देखिए अगर m की वैल्यू 0 से बड़ी है यानी +1 +2 +3 तो ऑब्वियसली m की पावर अगर हम यहाँ पे 1 लेते हैं 0 की पावर 1 0 बनेगा, और 0 × दिस क्या बनेगी वैल्यू 0 आ रही है। इस कंडीशन में इसकी वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। चलिए दूसरी लेते हैं, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। अगर m की वैल्यू लेते हैं हम 0 तो बन जाएगा 0 की पावर 0, ये कोई वैल्यू नहीं है, इट इज कॉल्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म, ये कोई आंसर नहीं है, ठीक है। तीसरी अगर हम लेते हैं अगर m की वैल्यू 0 से लेस है, जैसे कि -1 -2 -3 कुछ भी ले लो, तो अगर ऐसा हो गया तो देखिए ये क्या बन जाएगा, हम कह देंगे जैसे मान लो m की वैल्यू हमने -1 ले ली तो 0 की पावर -1 × (-1 से 1)। अब ये पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाएंगे 1/0 × (-1 से 1) क्या बन जाएगा ये इन्फिनिटी × (-1 से 1) आंसर क्या आएगा, ये इन्फिनिटी आ जाएगा। और जबकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 0, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इनमें से कौन सी यानी कंडीशन आपकी यानी सेटिस्फाई हो रही है, तो हम कहेंगे कि ये वैल्यू 0 तभी पॉसिबल है इफ m इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, इफ m इज ग्रेटर देन 0। इस कंडीशन के लिए ओनली इसी कंडीशन में जब m 0 से बड़ा होगा इसकी वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि 0 आएगी, यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है, हम इसी कंडीशन के लिए हमारा फंक्शन इस पर कंटिन्यूस होगा। ये हमारी m की यानी कंडीशन आ गई।